छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला में आज भी इस पहाड़ में 200 साल पुराना महल खंडहर और वीरान पड़ा हुआ है। आज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम। टूट फूट गया है, बस दीवाल ही दीवाल बचा हुआ है। इधर मैं दिखा देता हूँ आपको, पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ एक विशाल महल हुआ करता था और यहाँ एक सुरंग था, ये जो पीछे है ये आप देख सकते हैं पीछे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित राज और आज मैं आया हुआ हूँ छत्तीसगढ़ का सरगुजा ज़िला। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। यहाँ का निवासी बताते हैं कि ये जो महल देख रहे हैं आप खंडहर के रूप में, यह महल उस ज़माने में आज से 200 साल पहले यहाँ पर बहुत ही बड़ा विशाल महल हुआ करता था। सभी बचे हुए हैं, ये देख सकते हैं टूट कर खंडहर हो चुका है। मेरे पीछे देखिए, हमारे सरगुजा में एक पहाड़ पर एक महल है जो लोगों से छिपा हुआ है, बहुत कम लोग ही जानते हैं इसके बारे में। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो आइए दोस्तों, मेरे इस चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस चैनल पर बने रहिए लास्ट तक। देखिए, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो आइए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ इस महल को बाहर से, फिर अंदर की ओर हम जाएंगे। ये देख सकते हैं दीवार इस प्रकार से दिख रहा है यहाँ से, और इस दीवार को देख सकते हैं आप, ऊपर कोई छत है नहीं, खाली दीवार ही दीवार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यह जगह दोस्तों आपको बता दूँ, यह महल का 200 साल पहले यह महल बना हुआ था, तो ये बहुत ही पुराना महल हो चुका है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसमें दिया रखा जाता था उस समय, और रूम में रोशनी आए उसके लिए ऐसा बनाया जाता था उस टाइम में। और आपको इधर दिखा दूं दोस्तों, तो इस स्थान के अगल बगल भी महल हुआ करता था पहले, जो आज के समय में हमें देखने को नहीं मिल रहा है, वो ख़त्म हो चुका, गिर चुका है। यह महल बहुत ही बड़ा था इस पहाड़ में, तो बाकी हिस्सा पूरा ख़त्म हो चुका है और जो भी बचा है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो वो भी बचा है तो दीवार ही बचा है, इसका छत है नहीं। तो ये देख सकते हैं बाहर से इस प्रकार से दिखता है, और इसका जुड़ाई देखिए दोस्तों, इसका प्लास्टर सब टूट फूट हो चुका है और पत्थर और ईटा से इसका जुड़ाई किया गया है। तो हम अंदर की ओर चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या देखने पर को हमें मिलता है। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं इस महल के अंदर में। तो दोस्तों, अंदर आने के बाद कुछ इस प्रकार से सीन दिखता है, और इसी स्थान में सुरंग का मार्ग हुआ करता था उस समय। और आपको बता दूं मैं कि इस महल का छत टूट कर गिरने की वजह से यहाँ पर सारा मलबा गिर गया छत का, तो इस वजह से यहाँ का जो सुरंग का मार्ग था वो बंद हो चुका है आज। और आज आपको देखने को यहाँ पर केवल दीवार ही दीवार मिलेंगे, और इस स्थान को बहुत कम लोग ही सरगुजावासी जानते हैं। यहाँ के छत्तीसगढ़ के जितने भी सरगुजे के अंतर्गत आते हैं ग्रामीण क्षेत्र, उन लोग बहुत कम ही जानते हैं इस महल के विषय में। तो इसीलिए मुझे आज वीडियो बनाना पड़ा ताकि सब लोग जाने इस जगह के बारे में, और जिनको जितना भी जानकारी है वो कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे भी इसके बारे में कम ही जानकारी है। तो दोस्तों, इस दीवार को आपको मैं दिखा देता हूँ, इस दीवार में कैसा जुड़ाई किया गया था और किस चीज़ की प्रयोग की गई थी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चूना है, इसी चूने से इस दीवार की जुड़ाई की गई थी, और इसमें भी कुछ मिलाया गया था उस समय। यहाँ के लोगों का कहना है और बुजुर्गों का भी कहना था कि उस समय सीमेंट नहीं था, तो चूना हो गया, उड़द का दाल और चावल का जो माड़ निकलता है वो हो गया, और चूना ये सब और कुछ भी कुछ मिश्रण, इतना ये सब करके दीवार की जुड़ाई की जाती। तो मैं गिन कर दिखाता हूँ कितना फिट है इसकी चौड़ाई, 1, 2, 3, 4 चार बित्ता मेरे हाथ से नापा हूँ इस दीवार की चौड़ाई, मतलब 3 फीट की लगभग इसकी चौड़ाई है दीवार की। और इस दीवार के ऊपर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर रहा होगा अपने दिनों में यह महल, जब टूटा फूटा नहीं रहा होगा उस समय। एक देख सकते हैं आप, इसके दीवार में ईटा और पत्थर का जुड़ाई किया गया है। तो मैं यहाँ पर, यहाँ के कुछ लोगों से मैंने बात किया, स्थानीय लोगों से, तो यहाँ का लोगों का कहना है कि
ये जो महल आप जो देख रहे हैं आज खंडहर के रूप में है, टूट फूट गया है, बस दीवाल ही दीवाल बचा हुआ है। इधर मैं दिखा देता हूँ आपको, पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ एक विशाल महल हुआ करता था और यहाँ एक सुरंग था। ये जो पीछे है ये आप देख सकते हैं, पीछे वो जो झाड़ी के पीछे, ये आज दब चुका है मिट्टी और जो इसका छत था उससे। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक महल था और ये महल का देख सकते हैं आप दीवार, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। और आज ये टूट फूट चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, जो भी बचा है यही बचा है, आप देख सकते हैं ये कुछ नहीं बचा है। तो ऐसा है यहाँ का, तो ये देख सकते हैं, इधर भी देखिए टूटा फूटा दीवार और इधर भी ऊपर का दिखा दूँ तो ये देखिए छत है नहीं, टूट चुका है, दीवार ही बचा है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं महल का पीछे का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ कि जिस प्रकार से महल का पीछे हिस्सा दिखता है। और इस महल के चारों साइड पहाड़ ही पहाड़ है और पेड़ों से घिरा हुआ है, जंगलों से। ये देख सकते हैं पेड़ पौधे भी बहुत हैं अभी यहाँ। और इसके विषय में दोस्तों मुझे जितना जानकारी यहाँ के लोगों से मिला वही मैं आपको बताया हूँ। आपको यदि इसके विषय में जानकारी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। और इस स्थान के विषय में आपको बता दूँ कौन सा जगह है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का अंबिकापुर शहर के बगल में 2 किलोमीटर पूरब की ओर श्रीगढ़ करके एक गाँव है, वहीं के पहाड़ में यह महल है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे इस वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।